क्वेश्चन का हमारे शैलेश भाई ने मुझे कहा कि यार अपन कुछ अभी बारिश आ रही है तो अपन कुछ अम्ब्रेला बांटने का काम करते हैं, क्योंकि अभी बारिश के लोगों को छाता भी था किसका अफोर्ड कर रहा नहीं कर रहा है, तो ठीक है चलो करते हैं अपन। तो मैंने छाते का अपन ने हमने जो स्टार्ट किया आज बात ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर हमें आगे जितना भी हमसे आएगा हम करते जाएंगे। अभी नेक्स्ट प्लान हमारा न्यू बॉम्बे में छाता बांटने का है, आज हमने मुंबई में छाता बांटा, अभी नेक्स्ट हम न्यू बॉम्बे में जो भी एरिया हम कवर करेंगे छाता बांटेंगे। आज जो छाता वितरण हुआ कितने लोगों को वितरित किया गया? छाता वितरण कम से कम आज 50-60 जन को आज छाता वितरण किया गया है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जितने भी छाते हम अभी और अरेंज करा के और लोगों को हम बांटते रहेंगे कि जहाँ तक लोगों को हर घर में एक एक छाता एटलीस्ट पहुँच जाए। आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी प्रोग्राम? आने दिनों में प्लानिंग ऐसा है कि अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं जैसा माहौल देख के काम कर रहे हैं, मतलब कुछ एक हफ्ते पहले हम राशन बांट रहे थे, एक महीना डेढ़ महीना हम जैसे लॉकडाउन गिरा हम राशन बांटते आ रहे थे मुंबई नवी मुंबई खागर पनवेल उल्लासनगर मुमरा थाना हर जगह हम राशन बांट रहे थे। तो फिर अभी देखा कि बारिश आ रही है तो हमने छाते का प्लान किया, जैसे आगे अभी जैसा अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो हम वापस राशन पे आ जाएंगे या और कुछ होता है जॉब फिर कैंपेन रखेंगे, जैसा जरूरत दिखेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। आपके जो कार्य सिर्फ मुंबई में है कि आउटसाइड मुंबई में? मैं खुद खारगर न्यू बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से न्यू बॉम्बे हम काम करते हैं, खारगर में वापस एक मुमरा थाना बॉम्बे में काम करते हैं, तो हम जितना हमारे एरिया हम कवर करते हैं पूरा बहुत सारा। देखिए होप मिरर फाउंडेशन मेरे मित्र है रमजान भाई करके, ये एक्चुअली हम लोग अवार्ड शो में मिले थे और इनका कार्य इतना अच्छा है होप मिरर फाउंडेशन, जब मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इनके साथ में जुड़ना चाहिए, तो भाई को मैंने कॉल किया तो भाई बोले ठीक है शैलेश भाई आप मुंबई से संभालोगे कि मैं मुंबई आ नहीं सकता हूँ, तो मेरे बोलने पे भाई ने राशन आटा बिस्किट आपने देखा होगा हमारे काफ़ी वीडियो में होम मिरर फाउंडेशन की तरफ से हमने आटा बिस्किट और राशन पहुँचाने की कोशिश की। इस बार कुछ अलग करना था तो मैंने भाई को बोला कि भाई इस बार कुछ अलग करते क्योंकि राशन ऑलरेडी दे चुके आटा दे चुके मतलब इस बार छतरी देते, तो भाई ने बोला ठीक है। तो लगभग हमने 350 छतरी ऑर्डर दे के मंगाई है, आज यहाँ पर 60 बांटी गई है, कल भी यहाँ पर बांटेंगे परसों भी बांटेंगे और नवी मुंबई में वहाँ पर भाई को जो तीन हमने पार्ट दिया है भाई वहाँ से तीन पार्ट में बांटेंगे वहाँ पर। उसके बाद अभी 2-4 दिन में हमारा और एक प्लान है कि दहीसर से लेके चर्च गेट जितने भी नाकाबंदी लगती है सारे पुलिस वाले को हमारे तरफ से एक नाश्ता जिसमें समोसा फ्रूटीज और पानी की बोतल, उस तरह मैंने भाई को एक प्रोजेक्ट दिया है तो भाई ने उसके ऊपर एक्सेप्ट किया है, बोले ठीक है तुमको जब भी करना है तुम्हारे हिसाब से नक्की करो। तो मेरा बोलना आम जनता से ये है कि अगर किसी को भी तकलीफ है कोई भी चीज़ की, हॉस्पिटल हो घर की प्रॉब्लम हो अनाज की प्रॉब्लम हो कोई भी प्रॉब्लम है होप मिरर फाउंडेशन रमजान शेख को कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह वो सबकी मदद करेंगे और हमेशा पहुँचेंगे। जय हिंद।